रात अकेली है, एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म, 31 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इसको डायरेक्ट किया है फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हनीत रिहान ने, और लीडिंग रोल में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे। अब मर्डर मिस्ट्री है तो बेसिक प्लॉट बताता हूँ। एक 60 साल से भी ऊपर वाला आदमी है जिसकी शादी है, और शादी की रात में उसका कोई मर्डर कर देता है। नाम है उसका रघुवीर सिंह, अमीर है, बहुत बड़ी हवेली है उनकी, और शादी के मौके पे बहुत सारे रिलेटिव्स भी वहाँ पर आ रखे हैं। अब मर्डर मिस्ट्री है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत लोगों पे डाउट लिया जाएगा, सस्पेक्ट्स बहुत सारे होंगे, एक्यूजेशंस लगेंगे, ये सब कुछ है। लेकिन ये फिल्म मसाला नहीं है, डार्क है। इसमें से जितने जितने कैरेक्टर लिखे गए हैं वो उतने रियल लगते हैं, और बहुत ही हम इसके अंदर बहुत सब्टेक्स्ट हैं। सब्टेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो पैट्रियार्की मतलब पितृसत्ता टाइप ये पूरी फैमिली है, जो भी चलेगा पुरुष का चलेगा। और इसका खामियाजा जो है वो औरत को भी भुगतना पड़ता है और मर्द को भी भुगतना पड़ता है। पूरी पैट्रियार्की सिस्टम से ये पूरी हवेली चलती है, अंडरकरंट हम उसका देख सकते हैं। उस फिल्म में जो डायलॉग हैं उससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल ही जाती है। राधिका आप्टे का रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मिस्टीरियस तरीके से लिखा गया है, और कभी हम उस पर डाउट करते हैं, कभी हमें उसकी पूरी स्टोरी पर हम विश्वास करते हैं। जैसे जटिल यादव की हालत होती है वैसे साइकोलॉजिकली वो हमारे साथ भी खेलती है। एक ज़बरदस्त कैरेक्टर लिखा गया है राधिका आप्टे का। उस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर हैं, नौकर से लेकर रिलेटिव्स तक, अपने अपने उनके रहस्य हैं, और ये रहस्य मरे हुए आदमी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करते हैं। और आखिर जो हमारे सामने सस्पेंस आता है वो चौंकाने वाला सस्पेंस है। चीज़ें हमारे सामने हैं, मतलब उन्हें कहीं छुपाया नहीं गया है, लेकिन जब आता है तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये सस्पेंस हो सकता है। इतना बेहतरीन सस्पेंस है और बहुत संभाल के रखा है इसको। मतलब फिल्म जब शुरुआत होती है तो हम एक चीज़ समझते हैं कि इसका कल्प्रिट जो है, जिसने भी ये मर्डर किया है या नहीं किया है, उसका कल्प्रिट ऑलरेडी डिसाइडेड है, और कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन जटिल यादव नाम का कैरेक्टर इन सबके सामने खड़ा होता है और सच को बाहर निकालता है। इस तरह की यह पूरी फिल्म है। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में किसका क्या इंटरेस्ट है, क्या हित संबंध है, कौन किसके पीछे है, क्या चीज़ है, सब कुछ हम देख सकते हैं। अपने अपने इंटरेस्ट की तरह ये, मतलब हर कैरेक्टर का अपना अपना इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ों को लेकर। फोटोग्राफी कमाल की है पंकज कुमार की। एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, रात का समय है और साउंड डिज़ाइन की मदद से बिजलियाँ कड़क रही हैं, अंधेरा है, लाइट्स चली गई हैं और पूरी हवेली अंधेरे में है, और फिर बिजली कड़कती है और बहुत ही भयानक ऐसी माहौल बना देता है डायरेक्टर इस फोटोग्राफी की मदद से, लाइटिंग की मदद से, साउंड की मदद से। तो हम पता चलता है कि आगे कुछ ना कुछ भयानक होने वाला है, इसका अंदेजा हमें एक प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन इसका सस्पेंस हम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। टोटली अनप्रेडिक्टेबल फिल्म है, यही इस फिल्म की खास बात है। इस फिल्म का अगर कोई हीरो है तो ये है इस फिल्म की तगड़ी लिखी गई स्क्रिप्ट, और डायरेक्टर का जो कन्विक्शन है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो रोल प्ले करेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बोलना गलत है, उनका कन्विक्शन उस रोल के लेकर और जिस तरह से उन्होंने वो निभाया है, बहुत ही मतलब जो हम प्लेजर हमें मिलता है उनकी एक्टिंग देखी है, अब मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जितने भी कैरेक्टर है, जितना भी उनको काम मिला है, उन्होंने वो बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। बैकग्राउंड म्यूजिक एक डार्क फिल्म के लिए जैसा होता है वैसा ही है, करण कुलकर्णी ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, और गाने हैं, 3 गाने हैं बैकग्राउंड में बजते हैं। एक फिल्म ख़त्म होती है तो एंड क्रेडिट्स में है, और 2 सेकेंड हाफ फिल्म के इंटरवल के बाद है। मतलब स्वानंद किरकिरे का एक गाना है गाया हुआ और सुखविंदर सिंह का, गाने बैकग्राउंड में बजते हैं और एक सिचुएशन बेस्ड गाने हैं, मीनिंगफुल गाने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा गति जो है वो धीमी कर देगा फिल्म की, ऐसा लगता है, होता नहीं वैसे। एक फिल्म को ठहराव लाने के लिए और कुछ चीज़ों को बार बार तो हम बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा नहीं डाल सकते, तो गाने का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा इमोशनल टच देने की कोशिश की है, तो बुरा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा फील हो सकता है कि थोड़ी फिल्म उसकी वजह से धीमी हुई है।
दो घंटा आधा मतलब 2.5 घंटे की तो फिल्म है लगभग। बेहतरीन फिल्म बनी है और एक मर्डर मिस्ट्री देखने का पूरा आनंद हमें यह देती है। एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, म्यूजिक के लिए, हर एक चीज़ में अव्वल नंबर फिल्म बनी है, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। चलिए यहीं पे रुकता हूँ और अगले वीडियो में हम नए फिल्म वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।